रियल वोट, फर्जी वोट, डुप्लीकेट वोट और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके वोट ना कटने की वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने अब ड्यूअल वोट, फर्जी वोट, डुप्लीकेट वोट और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके वोट कटवाने के लिए अभियान छिड़ा है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ ने बताया कि आज की बैठक में बूथ मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। वहीं सेठ ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को भी आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कोई गलत काम करेगा तो वो ईडी और सीबीआई के जाल में फंसेगा। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में बीजेपी चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ से खास बातचीत हुई। एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की। भाजपा पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस समय मेरे साथ हैं भाजपा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अच्छी, आज कुछ पदाधिकारी हम बैठे थे और बूथ मैनेजमेंट के विषय को लेकर के हमारे बीच में चर्चा हुई। तो उस चर्चा के दौरान जो हमारे जो सबसे एक सीरियस इशू जो हम सब लोगों के सामने आ रहा है वो डुप्लीकेट, फर्जी वोट और कुछ जो लोग स्वर्ग सिधार गए हैं उनकी वोटों का ना कटना, तो इस प्रकार का एक हमारे यहाँ पंचकुला के अंदर एक सैंपल लेकर के 13-14 बूथों का उसके अंदर एनालिसिस किया गया। तो उसके अंदर 2500 से 3000 के लगभग फर्जी वोट पाए गए। फिर एक बूथ और उठाया गया, उस बूथ के अंदर 244 वोट फर्जी पाए गए। तो इससे ये आइडिया लग रहा है कि प्रत्येक बूथ के ऊपर 150 से लेकर के 250 तक की फर्जी वोट बनी हुई है या ड्यूअल वोट है। और इस वोट ने इस पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि हमारा चंडीगढ़ की सीट केवल मात्र 2300 वोट से हारे। इसी प्रकार से हमारी 2-3 सीटें हरियाणा के अंदर, 3 सीटें हम बहुत थोड़े मार्जिन के साथ हारे। उसके अंदर ये ड्यूअल वोट और फर्जी वोट इसका बहुत बड़ा खेल हुआ है। तो इसके ऊपर एक चर्चा होने के बाद ये बात ध्यान में आई कि हमारे हर प्रत्येक बूथ के ऊपर BLA 2 बने हुए हैं और वो BLA 2 अब इस काम को अपने अपने बूथ के ऊपर वोटर लिस्ट को लेकर के उसका निरीक्षण करेंगे और वहाँ पर जो फर्जी वोट बने उनको कटवाना, और जो बच्चे नए 1 जुलाई 2024 को जिन्होंने 18 वर्ष की आयु को पार कर लिया है उन सब की नई वोट बनवाना, इस कार्य को बड़ी मुस्तैदी के साथ करना, बड़ी निष्ठा के साथ, क्योंकि थोड़ा ये मेहनत वाला काम है। तो प्रत्येक विधानसभा के ऊपर जा कर के वहाँ पर BLA 1 और जिला अध्यक्ष के माध्यम से सभी BLA 2 हर बूथ के ऊपर, बूथ लेवल एजेंट जो हमारा होता है हर बूथ के ऊपर, उसको इस बात की एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि उन्होंने किस प्रकार से वोटर लिस्ट का अध्ययन करना है, किस प्रकार से इसका विश्लेषण निकालना है और जितनी भी डोर टू डोर जा करके जितनी भी फर्जी वोट है उसको मार्क करके उसको चुनाव आयोग तक पहुंचाकर उसे कटवाने का काम करेंगे। सेठ जी, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि CM विंडो तो है लेकिन पार्टी विंडो नहीं है जहाँ कार्यकर्ता अपनी बात खुलकर सामने रख सके। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच आए थे, कांग्रेस से आए थे और जिस शैली में वो बात कर रहे हैं वो अपना कांग्रेस वाले विचारधारा छोड़ नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हर किसी को अपनी बात रखने का यहाँ पर आज़ादी है, किंतु हम इनकी तरह सड़क के चौराहे पे ऊपर खड़ा होकर के अपने बातों को सुलझाने का काम नहीं करते। हमारे सभी अधिकारी हर कार्यकर्ता की एक्सेस में हैं। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी अधिकारी को, किसी भी बड़े नेता को कभी भी मिल सकता है और अपना मन खोल करके बात कर सकता है, किंतु वीरेंद्र सिंह जी जिनको ये आदत चौराहे पर खड़े होकर के अपनी मन की बात कहने की है, तो उससे परिवार के अंदर जो वो कर रहे हैं अपने, उनके कांग्रेस को भी इसकी हानि होगी। तो अपने घर के अंदर हम अपना काम बहुत सुचारू रूप से ठीक करते हैं, किसी को कोई कष्ट होता है तो उसका तुरंत निवारण नेता लोग करते हैं।
सेठ जी, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि भाजपा जितना मर्जी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर ले, लेकिन भाजपा को वोट पड़ने वाले नहीं हैं आने समय में, तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। देखिए, भाजपा ना तो उसका कोई ईडी सीबीआई से लेना देना है। ईडी सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं, वो अपना काम कर रही हैं और उस काम में जो उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं वो लोग फंस रहे हैं, तो उसको भाजपा के साथ जोड़ने से, भाजपा ने तो उनको नहीं कहा था कि आप ये इनके उल्टे सीधे काम कीजिए, आप एक्साइज के अंदर चोरी कीजिए, आप ज़मीनों के घोटाले कीजिए, आप भर्तियों के घोटाले कीजिए या आप स्कॉलरशिप के घोटाले कीजिए, ये भाजपा ने आपको करने को कहे थे क्या? ये आप लोगों ने पहले 2014 से पहले के आपके ये जो कीटाणु हैं वो केस धीरे धीरे सॉल्व होते हुए अब मैच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं, तो सीबीआई ईडी पकड़ेगी। वो तो यदि किसी कोई हमारा भी करेगा तो उसको भी पकड़ेगी। तो ईडी सीबीआई का काम है, जो कोई गलत करेगा वो ईडी सीबीआई के जाल में फंसेगा। ये थे मेरे साथ भाजपा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ। इन्होंने बताया कि आज पार्टी पदाधिकारी की बैठक हुई है और उस बैठक में क्या चर्चा की गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।